महाकाल ट्रिक, ठीक है। पूर्ण स्ट्रीम की बहुत डिमांड थी, पूर्ण स्ट्रीम कितने सारे कमेंट। आज तो शिवरात्रि की वजह से ऑफ रखो, आज तो आपको पढ़ने का दिन है। भगवान महाकाल तभी हेल्प करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। शायद हम लोग 48 तक कर लिए थे। कामेश रविंद्र कुमार, कुछ लोगों के कमेंट शायद नहीं आ रहे क्या? तो सर एक कमेंट और नहीं है क्या? तो सर थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ। एक कमेंट और नहीं है। पूनम, पूनम कहाँ चले गए तुम लोग? अरे कमेंट ऑन कर दो, कमेंट एक ही ऑन है, कमेंट एक ऑन है। हमारी टेक्निकल टीम गेम खेलने में इतना बिजी हो गई है कि कमेंट ऑन करना भूल जा रही है। प्रधान मीना, कमल यादव, एक लोगों का कमेंट आ रहा है एक ग्रुप का, रविंद्र कुमार इन लोगों को दिख रहा है। बाकी और कुछ लोग होंगे जो कमेंट याद कर नहीं पा रहे होंगे, या तो फिर कर रहे होंगे तो हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन बताएंगे? रवि गगन, एक बार मुझे क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग? कल यहीं शुरू करना था, इससे पहले आगे हो गया था। ओके अब कमेंट आना स्टार्ट हुए। पप्पू कुमार, हितेंद्र कुमार, प्रशांत, 45 तक हो गए थे, 49 से ही करना था। ओके स्टार्ट करते हैं फिर इसको। और तीन पंप है, एक पानी की टंकी को अलग अलग क्रमशः इतने इतने घंटे भर सकते हैं, ये डेटा दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक है 15 घंटे में और एक बी है जो 20 घंटे में और एक सी है जो हमारे पास 30 घंटे में भर सकते हैं। कल तो इसको किए थे हम लोग, ये हो गया था ना, जिसमें आया था हमारा 2:40। हाँ कल इसको कर लिए थे, ये वाला हो गया था 2:40 जिसमें आ रहा था। 50 से करना था हमको, 50 से करते हैं। कहाँ आप लोगों ध्यान देख नहीं पा रहे? पाइप एक किसी टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी से भरने में 25 घंटे लगाता है और आरंभ में केवल पाइप एक उस समय के लिए चालू होता है। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 75 ले लेंगे, 15 से 5 बार, 25 से 3 बार। क्वेश्चन में क्या बोला आप? देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, आरंभ में केवल पाइप एक कुछ समय के लिए चालू किया गया। मान लीजिए पाइप ए 5 था क्षमता और ये टी समय के लिए चला, टी समय के लिए, और फिर बंद कर दिया गया और तुरंत बाद पाइप बी को चालू कर दिया गया और कुल मिलाकर टंकी को पूरा भरने में 19 घंटे का समय लगता है। तो इसके बाद पाइप नंबर आया 3 का, जो टोटल 19 घंटे में टंकी पूरी भर जाती है। तो ये टी घंटे के लिए चला, तो 19 में से अगर घटा देंगे टी तो इतना घंटे ये वाला चला होगा जो बी वाला पाइप था। तो कुल हमने 75 लीटर भर लिया, 75 लीटर भरना था हमको। तो 5t प्लस में 19 57 माइनस में 3t बराबर में 75। ये 30 में घट जाएगा तो 2t का मान ये वाला इधर जाएगा, घट जाएगा इसमें। तो यहाँ से हमने 3 जोड़ लिया और हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 57 3 इधर होगा, 5 3 8 18 हो जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 घंटे। तो क्वेश्चन पाइप कितने समय के लिए चला गया था? तो समय क्या हो जाएगा? 9 घंटे के लिए चला था पाइप। जो टी का मान था वो कितना आ गया? 9 घंटे। 9 घंटे वाले सही है, जिनका भी 9 घंटे आ रहा है। बी कहाँ से आ गया? आकाशराज, कोई इसमें डाउट है तो बताइए जल्दी से। किसी कुछ और आ रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं? रवि, वेदानंद, आकाश, सुचित, यूक्रेन में शहर कीव में बमबारी से कर्नाटका की छात्र की मौत। ओके ऐसे कहना चाहते हैं? हाँ एक दो स्टूडेंट हमारे भी हैं जो वहाँ फंसे हुए क्यों में, आज मैंने उन लोगों को निकलवाया वहाँ से बॉर्डर के पास, और वहाँ तो ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं? बॉर्डर के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं, कैसे जाएंगे? ट्रेन से पहले लोगों को बॉर्डर पार, मतलब यूक्रेन के अगल बगल जो देश है वहाँ ले जाया जा रहा है और फिर वहाँ से उनको फ्लाइट से भेजा जा रहा है, मतलब डायरेक्ट रूट तो है नहीं उसमें। नौ आएगा भैया, हमने क्या किया? क्वेश्चन दिया था एक एन फिल टैंक इन 59 एंड बी कैन फिल इन 25 आवर्स, और इस टंकी कैपेसिटी में मान लिया 75 लीटर, तो ये 5 और 3। तो ये ए को बोला था कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब मान लिया टी समय के लिए, और टोटल टंकी भरी 19 घंटों में। तो अगर टी समय के बाद अगर ये चला होगा बी वाला, तो ये बी वाला कितना 19 में से टी घटा लेते हैं, जितना घंटे ए चला होगा उसके बाद ये चला होगा, तो टोटल 75 लीटर भर गया था। तो बस यहाँ से टी का मान निकाला, कुछ नहीं किया। इजी क्वेश्चन। एक टंकी में 2 इनलेट पाइप और 1 आउटलेट पाइप उपस्थित है, 2 इनलेट वाले मतलब ए और एक है, एक बी है, एक सी है, 3 पाइप हैं, 2 भरने वाले होंगे, 1 निकालने वाले, जो अलग अलग 6 घंटे और 8 घंटे में टंकी को भर सकता है आउटलेट पाइप। ये 6 घंटे में, 8 घंटे में, ये 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया। चलिए यहाँ से अब लगाते हैं एलसीएम से, अब ले लेते हैं एलसीएम 120, 6 × 12 = 8 से 15 बार, 10 से -12 बार। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि पहला लाइन, यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, तो इनलेट पाइप ये दोनों हैं भरने वाले 1 घंटे में, ये भी 1 घंटे में, ये भी, तो ये 20 और ये वाला कितना हो जाएगा? 15, दोनों मिला कितना हो जाएंगे? 35 लीटर, 35 लीटर टंकी भर चुकी है। हाँ और फिर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 35 लीटर तो ऑलरेडी भरा जा चुका है, उसके बाद अभी बचा कितना? 120 में से 35 घटा लीजिए, तो कितना बचा शेष टंकी में हमारे पास? कितना पानी और भरना बाकी अभी? पहले तो ये देखिएगा, 30 घटा लेंगे 90, मतलब 85, ये 85 लीटर और भरना है। अब तीनों चलेंगे तो ये वाला 20 और 15 35, 35 में से 10 चला जाएगा 25, में से 2 गया 23, तो ये 23 आ जाएगा नीचे में। कैसे 23 आया? क्योंकि ये वाला इसमें से घट जाएगा 3 20 3 23, मतलब ये दोनों भरेंगे, अभी ये वाला क्या खाली करेगा, अभी तक ये बंद था, अब इसकी क्षमता चलेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 85/23। 23 से चाहे तो आप 3 बार में भाग दे सकते हैं, 23 3 69, और यहाँ से बचेगा 16/23, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। 85/23 भी जाएगा, तो आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में दिया तो हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है, 85/23 ऐसा ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ए टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भरता है, 4.5 आवर में भरता है, जबकि बी के साथ मिलकर इसे इतने घंटे में भर सकता है। जब ए जो होगा बी के साथ आ जाएगा ना, साथ मतलब दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, 2.25 घंटे में भर सकता है, और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 22.5
पाँच ऐसे ले लीजिए, देखिए 45 से ये 9 बार में कटेगा, नहीं 45 और 90 पाँच बार में ना, 4 5 20 हाँ 5 बार में, मतलब ये हमारे पास 50 बार में आ जाएगा। ये वाली वैल्यू पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, दोनों एक जगह पे है तो 5 बार में आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें, अगर 2.25 से, तो इससे तो ये 10 बार में चला जाएगा, कितने बार में 10 बार में। तो ए की क्षमता देखिए 5 है और बी की भी क्षमता कितनी हमारे पास 5 ही है, क्योंकि दोनों जोड़ने में 10 चाहिए हमको। फिर क्वेश्चन क्या बोला, यदि केवल ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाए, ए को आधे घंटे के लिए, इसको आधे घंटे के लिए चालू करेंगे तो ये 2.5 लीटर भर देगा, 2.5 लीटर भर देगा। तो शेष कितना बचा अभी हमारे पास, शेष अगर इसमें से 2.5 लीटर घटा दें तो हमारे पास बचा 20 लीटर की टंकी और बची हुई है। फिर क्या बोला, जिसके बाद बी को भी चालू किया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो इधर तो हमारा आधा घंटा के लिए भरा ही था, ठीक है। अब दोनों मिल जाएंगे 10 5 15 15 के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए इसको डिवाइड कर 5 से 3 बार 5 से 4 बार, 4/3 घंटा। और पहले से आधा घंटा और था, इसको भाग देंगे तो 1 सही 1/3 घंटा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट में रिमेनिंग भरेगा। और पहले से आधा घंटा और भरा हुआ था तो 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट था। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, चालू किया था जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है। अच्छा थोड़ा सा गलत भाग दे दिए हम लोग, हाँ थोड़ा सा गलत भाग दे दिए, 15 नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों को चालू करेंगे, दोनों की क्षमता तो 10 ही है ना, ये अलग अलग थोड़ी नहीं, दोनों मिला के 10, 10 से भाग देंगे तो 2 घंटा तो लग गया। तो 2 घंटा और पहले से और ये जो आधा घंटा लगा था 30 मिनट और, तो आंसर क्या होगा 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा तो रिमेनिंग टंकी भरने के लिए पूरा। तो बोला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा बचे। अगर बोलता शेष टंकी को भरने में कितना समय लगता, आंसर होता 2, लेकिन बोला टंकी को भरने में कितना समय लगा तो पूरा लगेंगे हम 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है आपको, एक खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, इनसे कटने वाला नंबर में ले लिया 56, तो इससे ये 10 बार में कटेगा और इससे ये 8 बार में, ये भरने वाला ये खाली करने वाला है। अब टंकी पहले से भरी हुई है, अब सोचिएगा पहले बारी बारी से, जब टंकी को भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए बी को बारी बारी से, पहले ए आएगा, पहले ए आएगा तो 10 लीटर खाली करेगा, फिर ये 8 लीटर भर देगा, मतलब एक प्रोसेस में हमारा 2 लीटर खाली हो रहा है, मतलब 2 घंटे में हमारा ये वाली वैल्यू 2 लीटर खाली हो रही है। और हमारे पास कितनी है, 56 लीटर है, हाँ 56 लीटर है, 2 के हिसाब से करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 घंटे में 2 लीटर, तो 56 के लिए अगर देखा जाए तो 56 लीटर मतलब 56 घंटे, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा। मैं देख रहा हूँ कैसे, देखिए कैसे रूल्स क्या बोलता है आपका, कि पहले हमने हमारे पास 56 लीटर था टोटल, और पहले हमने -10 किया, फिर हमने 8 किया, हाँ 8 + 8, तो फिर ऐसे चला, फिर -10 किया और फिर हमने 8 किया, तो ये हमारे पास देखिए 2 लीटर खाली हो रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है, और ऐसे चलता हुआ जाएगा। और हम मान लीजिए इसको हमने ऐसे 2 लीटर हमने 30 घंटे तक चलाया, 30 घंटे में तो होगा नहीं, 2 घंटे में 2 लीटर है ना, तो हम इसको 24 × 48 48 घंटे तक ले जाते हैं, 48 घंटे में हमारे पास 48 कैसे होगा, लास्ट में जो 10 लीटर खाली करेगा 56 में ना, तो 10 लीटर कम करेगा तो 46 से पहले तक का निकालिए, सिर्फ 46 से पहले तक का, क्योंकि इससे ज़्यादा निकालेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। देखिए इसमें गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे पास 2 2 लीटर चलेगा, तो हम अगर हमको 46 तक खाली करना है, सिर्फ कितना 46 से कम तक, तो -2 -2 और ऐसे करते हुए अगर हमको मान लीजिए हमको 44 तक ले जाना, सपोज करते हैं 44 तक, 44 लीटर टंकी खाली करना होगा, -2 -2 -2, तो ऐसे हमारे पास कितने बार होंगे, 22 बार होंगे, कितने बार होंगे 22 बार होंगे, मतलब 22 बार ऐसे टर्म्स चलता रहेगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 44 लीटर टंकी खाली हो जाएगा 44 घंटे में, ठीक है। 44वें घंटे के बाद की कहानी समझिए, 44वें घंटे में क्या करेगा ना, तब तक टंकी हमारे पास 44 लीटर खाली हो चुकी है, अभी टंकी के अंदर में बचा हुआ कितना हमारे पास 12 है, कितना बचा हुआ है 12 है, ये हमारे पास कितना बचा हुआ है 12 है, 44 10 54 2 56 12 बचा हुआ। इसके बाद ये 10 लीटर खाली करेगा ना, जैसे 10 लीटर खाली करते ही 45वें घंटे में, फिर ये 8 लीटर भर देगा, तो मतलब 2 लीटर खाली हो पाएगा, मतलब 45 घंटे में हमारे पास ये फिर से हो गया, हमारे पास कितना 45 घंटे में हमारे पास 46 लीटर हो चुका है। लेकिन 45 के बाद 45 मतलब 46 घंटे में, इसके जैसे जस्ट बाद वाला 1 घंटा होगा ना, वो 10 लीटर जैसे ही खाली करेगा अंतिम वाला, तो उसके बाद भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टंकी पूरी खाली हो चुकी है। तो 46 के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 47 घंटे। अब आपको क्या करना है कि हर बार ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाने हैं, आपको एग्जाम में कैसे जाना है, ये तो मैंने बस समझाया कि अगर 56 लीटर का है हमारे पास जो खाली करने वाला होता है ना, पहले उसको घटा लेते हैं इसमें से, क्योंकि लास्ट वाला जो होगा हमको बस 46 तक ही खाली करना है, कितना तक खाली करना है 46 तक ही खाली करना है, क्योंकि जो अंतिम वाला जो खेप लगाएगा ना पूरा, 10 लीटर पूरा बाहर आ जाएगा, तो फिर भरेगा क्यों, जब खाली टंकी हो गई तो फिर भरने की जरूरत ही नहीं वहाँ पे। तो ये 46 घंटे के लिए तो 46 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि हर 2 घंटे में हमारे पास क्या हो रहा है कि हर 1 2 घंटे में 2 लीटर, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगा, हाँ ये वाली 46 के लिए 46 घंटे, और इसके बाद का जो 1 घंटा होगा ना ये 10 आएगा पूरा खाली कर देगा, तो 47 घंटे में इसका क्या होगा आंसर होगा डी में। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना आपको कि गलती ना हो इसमें, क्योंकि अगर आप 56 तक चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो बारी बारी वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होता है जब जब अल्टरनेट आता है। एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप एक टंकी को भरे और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है, वही सेम कॉन्सेप्ट, एक घंटे क्रम में खोला जाता है। टंकी को खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है, और खाली टंकी को पूरी तरह भरने में इनलेट पाइप 15 घंटे लगते हैं। इसमें ये देना जरूरी है कौन भरता है कौन खाली करता है, तो 15 घंटे लगते हैं पाइप को भरने में और 21 घंटे पूरी तरह खाली होने में। अब एक नंबर हमको लेना, जैसे इसमें हमारे पास 5 और 3 है और इस वाले में 7 और 3 है, 3 दोनों में कॉमन है, 7 5 35 35 × 3 35 × 3 105 15 से 7 बार इससे 5 बार, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में पहले कौन स्टार्ट होता है ना, ये जानना जरूरी, स्टार्टर कौन है, खाली टंकी को पूरी तरह भरते हैं, खाली टंकी होने पे शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है, इनलेट पाइप मतलब पहले भरने वाला होगा, ये वाला क्या करेगा भरने वाला होगा, भरने वाला है ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि टंकी यहाँ भर रही है। तो ये 15 घंटे और 21 घंटे और ये पहले होगा, पहले ये आएगा 7 लीटर भरेगा और ये फिर से क्या करेगा कि 5 लीटर खाली कर देगा, ओवरऑल मतलब 2 घंटे में 2 ही लीटर भर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो लास्ट वाला जो होगा ना हमारे पास 7 लीटर, वो लास्ट वाला 7 लीटर जो होगा ना 105 में से 7 लीटर अगर कम कर दें तो ये हमारे पास कितना आएगा 98 तक तो ऐसे चलता रहेगा, 98 तक तो ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। लेकिन 98 के बाद जो अंतिम वाला 7 लीटर करेगा ना वो सीधा भर जाएगा और 99 घंटे में टंकी भर जाएगी, फिर उसके बाद खाली करने की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। जब भर गई टंकी तो फिर नल नहीं चलेगा, तो 99 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट वाले में ध्यान रखेंगे इसमें।
ये भी वही है क्या, एक बार देख लीजिएगा, टंकी को खाली भर सकता है, इतने देर में भर सकता है खाली टंकी, एक घंटे का चालू बंद करके रखा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेम सेम कॉन्सेप्ट को आप लगाते जाइए। इसको देख लेते हैं क्या है, खाली हम इनलेट पाइप से शुरू करते हैं और एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप किसी और को बारी बारी से भरने में खाली करने में एक घंटा लगाते हैं, इनलेट पाइप इतने घंटे में समय लगता है, आउटलेट पाइप को वही सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है इसमें, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मतलब पाँच, ये इससे दो बार में कट जाएगा और ये इससे एक बार में कट जाएगा, ये भरने वाला। खाली उनमें इनलेट पाइप से शुरू करते हैं और एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप किसी और को बारी बारी से भरने में खाली करने में एक घंटा लगाते हैं, इनलेट पाइप इतने घंटे में समय लगता है, आउटलेट पाइप को वही सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है इसमें, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है। खाली हौद भरने में ये भरने वाला है 11.25 और खाली करने वाला जो हमारे पास है वो 22.5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 22.5, ये इससे दो बार में कट जाएगा और ये इससे एक बार में कट जाएगा, ये भरने वाला, ये खाली, पहले ये दो भरेगा और फिर ये खाली करेगा, अतः दो घंटे में एक ही लीटर भराएगा, दो घंटे में क्या होगा एक ही लीटर भरा जाएगा, और इस तरीके से ये चलता जाएगा, दो एक, फिर से दो क्या होगा एक होगा, फिर से दो होगा फिर एक होगा, तो पहला ये हमारा दो घंटे लगा रहे हैं, दो घंटे फिर दो घंटे फिर दो घंटे, मतलब हर दो घंटे में हमारे पास भर रहा है एक ही लीटर, एक ही लीटर, तो एक लीटर के हिसाब से चलता जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, देखिए 22 लीटर है तो 22.4 है तो हमारा उसका डबल कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 44, और 44 से थोड़ा सा आंसर कम ही आएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो 2 लीटर भरेगा ना, लास्ट वाला जो घंटा भरेगा उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से हमारा उससे कम आना चाहिए, 44 से कम हमारे पास कौन सा बचा 43, अब 43 में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो 50 मिनट और एक 45 मिनट है, दोनों में से कौन सा होगा, अब ये समझिए क्योंकि इसमें एक चीज़ और हमारे पास है, लास्ट में हाफ लीटर की बात होगी, ये हम ऐसे मान लीजिए भरते हुए चले जाएंगे, दो घंटे में एक लीटर भरते हैं, मान लीजिए 20 बार ऐसे चलें तो 40 घंटे में हमारा क्या हो गया, 40 घंटे में हमारे पास 20 लीटर भर गया, 40 घंटे में 20 तक पहुंच गए, उसके बाद जैसे ये 2 लीटर आएगा भरेगा ना, तो इस बार दो भरेगा तो ये 22 हो जाएगा, ये हमारे पास 21 हो गया, तो 42 घंटे हो गए, और फिर उसके बाद जो 1.5 लीटर है, 22 में से एक खाली हो जाएगा, तो फिर से 21 हो जाएगा, अब जो भरेगा ना, अब भरा बचा कितना है 1.5 लीटर, ये 1.5 लीटर ही भरा हुआ है कि हमको भरना है, लेकिन ये भर सकता है दो, तो अब 1.5 लीटर भरने के लिए दो की क्षमता से भरेंगे, तो 3/2 में हमारे पास देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 3/4, 3/4 कितना होता है हमारे पास 45 मिनट होता है, तो 42 घंटे के बाद 45 मिनट लगेंगे हमको, बस और कुछ नहीं लगेगा, तो आंसर में डी वाला होगा, ना कि हमारा सी की तरफ जाएंगे, 43 तक पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग, 42 घंटा 45 मिनट भर जाएगा, हाँ क्योंकि देखिए लास्ट में 1.5 लीटर भरेगा ना, जैसे 21 लीटर तक होगा, 1.5 लीटर भरना है, अब लेकिन इसकी क्षमता है 2 लीटर भरने की, तो 1.5 लीटर भरना है, दो के हिसाब से भरेगा, तो इसको लगेगा 1.5/2 से डिवाइड कर लीजिए, 3/4 मतलब 45 मिनट, ठीक है, इतना ही करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इस वाले में। अच्छा ये सब यही वाले क्वेश्चन है तो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए है प्रवेशिका पाइप जो टंकी को 69 घंटों में भर सकता है, बी जो है उसे 46 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप बी की शुरुआत करके भरी हुई टंकी में एक घंटे करके दोनों पाइपों को क्रम से खोला गया, टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। अच्छा ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, देखिए ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला, तो ये है 23 × 3 है और एक 23 × 2 है, तो 23 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 × 2 = 6 से और गुणा कर लीजिए, मतलब 3 से और 2 से गुणा कर लीजिए, तो 69 से 2 बार में कट जाएगा, 46 से 3 बार में कट जाएगा, ये क्षमता होगी, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला, कि भरने वाला कम है खाली करने वाला ज़्यादा है, ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा ये पूरा अगर गुणा कर ले तो 23 × 69 और 2 × 9 = 18 और 2 × 6 = 12 1 × 13 138 लीटर। अब देखिए पहले बार हमारे पास क्या होगा कि दो कौन स्टार्ट करता है, वहाँ से देखते हैं, बी से शुरुआत करके भारी टंकी को खाली करना है, पहले 3 खाली करेगा फिर ये 2 भरेगा, ओवरऑल में हर बार 1 लीटर टंकी खाली होगी, दो घंटे में टंकी 1 ही लीटर खाली होगी, और ये चलता जाएगा एक लीटर खाली होते हुए, लेकिन जो सबसे अंत वाला 3 लीटर होगा ना वो सबसे यूनिक होगा, क्योंकि 138 में अगर 3 लीटर हम घटा लें तो 135 तक तो ये कहानी चलेगी पूरी, 135 तक ये पूरी की पूरी कहानी चलेगी, लेकिन अंतिम वाला जो 3 खाली करेगा ना तो वो पूरा क्या होगा कि 135 बाद 136 में ही हो जाएगा, ठीक है, तो 135 के बाद 136 में हो जाएगा 136 घंटे में, तो अगर 136 घंटे को अगर हम 24 से भाग दे दें, दिन बोल दिया 11 दिन बोला क्या, ज़्यादा तो नहीं लगा दिया हम लोग, एक बार देख लेते हैं, 138 है हमारे पास 1 लीटर 2 घंटे में, हाँ तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, देखिए 2 घंटे में हो रहा है 1 लीटर, तो 135 का डबल 270 और 271 ऐसे अगर हम कर लेते हैं अगर इसको, तो 271 मतलब अगर 24 से भाग दे दें तो 24 × 24 यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना 3 × 24 = 24 11 बार में चला जाएगा, 11 दिन तो होंगे ही होंगे, और यहाँ से हमारे पास बच गया कितना 24 + 4 = 3 = 31 था, 31 के बाद हमारे पास यहाँ बचा एक बार में तो 6 और 7 7 घंटे 11 दिन 7 घंटे हो जाएंगे, 11 दिन कितने हो जाएंगे 7 घंटे, थोड़ा सा भाग दे दीजिए और कुछ नहीं करना है। हाँ एप्लीकेशन पे मैथ्स और स्पेशल 20 स्टार्ट हो गया है, पहली क्लास हो गई है, क्या ये क्लियर है? आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए, 1 लीटर भरने में 2 घंटा, 135 लीटर, 38 को छोड़ दे रहे हम लोग, 38 3 हमने घटा दिया इसमें से, क्योंकि अंतिम वाला तो 1 ही घंटे में भरेगा ना, 135 मतलब 135 का डबल 270, 270 घंटे में 135 लीटर भर देगा, और अंतिम वाला 1 घंटा जो होगा ना वो सीधा खाली करेगा 3 लीटर तो हो जाएगा, तो 271 घंटे लग गए, 271 घंटे में 24 घंटे से भाग देंगे तो 11 दिन 7 घंटे होंगे, 11 दिन 7 घंटे, 271 कैसे, देखिए समझिए 1 लीटर खाली करने में 2 घंटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे पहले घंटे में 3 लीटर खाली किया फिर दूसरे घंटे में 2 लीटर भरा, मतलब ओवरऑल 2 घंटे में 1 ही लीटर भर रहा है, तो 135 लीटर में 3 लीटर हमने घटा दिया, 135 लीटर में हमारे पास कितने घंटे लगेंगे, 1 लीटर के लिए 2 घंटा, 135 लीटर के लिए 270 घंटा, और एक कैसे एक्स्ट्रा होगा 270 में, जो अंतिम 3 लीटर बचा हुआ ना वो जाएगा 3 लीटर वाला खाली कर देगा, फिर भरेंगे नहीं उसको, ठीक है, तो 271 हो जाएगा, समझ पाए या नहीं समझ पाए,
हाँ थोड़ा सा मेहनत करिए। सेम कॉन्सेप्ट है, खुलने और भरने वाला, अल्टरनेट वाला। अगर आप चाहें तो इसको भी हम लगा सकते हैं वैसे ही, ठीक है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। देखिए आप लोग बोल रहे हैं तो मैं इसको बता देता हूँ फिर से। एक और समझिए, एक प्रवेशिका पाइप एक निर्गम पाइप एक टंकी में भरने खाली करने के लिए एक घंटे के लिए क्रम में खुला रहा। टंकी को खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से की जाती है और खाली टंकी को भरने प्रवेशिका पाइप 10 घंटे लगते हैं। भरने वाला 10.5 घंटे लगते हैं, खाली करने वाले को 35 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लिया 105, इससे ये कट जाएगा 10 बार में, इससे कट जाएगा 3 बार में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि खाली कर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पहले 10 लीटर आएगा भरेगा, फिर 3 लीटर क्या करेगा खाली करेगा, मतलब 2 घंटे हो गए और 2 घंटे में 7 लीटर भर गया। 2 घंटे में 7 लीटर भर गया, यहाँ तक सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। 2 घंटे में 7 लीटर भरा, अगले 2 घंटे में फिर 7 लीटर, फिर अगले 2 घंटे में 7 लीटर, ऐसे देखें तो 15 × 30 30 घंटे में भर जाना चाहिए। आंसर में हमारे पास 30 घंटे भी दिया है और भी आंसर हमारे पास है, लेकिन एक चीज़ ध्यान समझेगा कि अंतिम वाला हमारे पास पंप्स किसका आएगा। अगर इसमें सबसे लास्ट में हमारे पास 10 का नंबर आता है तो 10 अगर इसमें घटा लें तो 95 लीटर, और 95 7 के मल्टीपल में हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, 7 7 7। हम कोशिश करते हैं कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि हम पहले कहाँ तक ले जाते हैं इसको, हमको 7 लीटर है ना, तो हम इसको ले जाते हैं कितने बार में, 10 11 12 13 13 7 91 13 बार ले जाते हैं। तो ये 91 लीटर तक चल गया, मान लीजिए कहानी 91 लीटर तक हमने भर दिया है, अभी ये सब बचा हुआ 105 में, जो भी बचा होगा वो छोड़ दीजिए। तो 13 इधर हो गया घंटा और 13 मतलब इसमें हम देखें तो 26 घंटे लग गए होंगे, 7 लीटर भरने में 2 तो हमारे पास 13 घंटे तक ऐसे चलेगा, मतलब 26 घंटे में 91 लीटर भर गया। अब 91 लीटर के बाद आएगा नंबर फिर से किसका, 10 का, तो ये हो जाएगा 101। 10 लीटर ये भरेगा तो ये 101 हो जाएगा, फिर इसमें 3 लीटर खाली कर देगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर 3 इसमें हम खाली कर दें तो 100 कितना हो जाएगा हमारे पास, 98 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद बचा कितना है हमारे पास, बचा 7 ही है। अब भरने वाला हमारा 10 की क्षमता से है तो 10 7/10 तो 26 और 1 27 घंटा तो हमारे पास ऐसे होगा। हाँ 26 तो यही था, 13 × 2 और 1 घंटा ये भरा वाला और फिर 3 घंटा, मतलब 26 2 28 घंटा तो होगा हमारे पास, लेकिन 28वें के बाद ये 7/10 है तो 7/10 कूड़े में 60 कर लेंगे ना तो ये 7×42 मिनट आ जाएगा, 28 घंटा 42 मिनट, मतलब डी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे आप 30 घंटे कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा आपका, यही होता है हमारा अल्टरनेट वाला। आप ध्यान समझिएगा, पूरा भरने की कोशिश कभी मत करिएगा ऐसे कि 7 लीटर हमारे पास भर रहा है 2 घंटे में तो 15 × 7 105 तो 15 × 2 30 घंटे में भर जाएगा, ऐसे करेंगे तो आंसर में भी दिया रहेगा और आपका आंसर भी गलत होगा, ठीक है। ये हर बार हर बार काम नहीं करता, किसी बार ये सेट हो जाता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना पड़ता है कि शुरू कौन किया, अगर ये शुरू किया है ना तो हमने इसको 91 लीटर पहले भरा नॉर्मली, ऐसे 7 से अगर 7 7 लीटर भरेगा 13 घंटे में भरेगा तो 13 बार ऐसे करेगा तो 26 घंटे में ये 91 लीटर हो गया। फिर हमने 10 लीटर डाला 110 हो गया, मतलब 1 घंटे और हो गए 27 घंटे। फिर 3 लीटर खाली किया 28 घंटे में 98 लीटर भर गया, 98 लीटर। अब 98 के बाद अभी तक 28 घंटे में 98 लीटर भरा है, अब इसके बाद का नंबर आएगा 10वें का, इसका नंबर आएगा तो ये 10 लीटर तो 29वें घंटे में ही क्या करेगा कि पूरा भर देगा, क्योंकि 98 के बाद हमारा 7 लीटर बचा है तो 7 भरने में 10 के हिसाब से इसको 42 मिनट लगेंगे, तो 42 मिनट मतलब 28 घंटा 42 मिनट, 30 तक पहुंचेंगे कहां से हम लोग। तो यही हमारा बारी बारी वाले क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर कभी भी डाउट है तो पूरा करते हुए जाया करिए, पूरा भरा करिए। अगर किसी को डाउट है ना तो ऐसे लिख लिया करिए कि पहला 10 फिर -3, ये हो गया हमारा 2 घंटा, तो ये भरा कितना हमारे पास 7, फिर 10 फिर -3, ये भरा कितना 7, फिर 2 घंटा हो गया, फिर 10 फिर -3, ये हो गया हमारे पास 7, ये 2 घंटा हो गया, 10 -3 ये भरा 7, ये 2 घंटा और लग गया, फिर 10 आया फिर -3, ये भरा 7, ये हो गया 2 घंटा, 10 फिर -3, फिर हमारे पास 7 लीटर भरा 2 घंटा हो गया, 10 -3 7 लीटर भरा 2 घंटा हो गया, 10 -3 फिर 7 भरा फिर 2 घंटे हो गया, 10 -3 फिर 7 भरा और 2 घंटे लग गए, 10 -3 फिर 7 भरा और 2 घंटे लग गए। अब देखिए कितने बार हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया, और ऐसे आपको ले जाना है इसको कितने बार, 13 14 बार 14 15 बार, अगर इसको लिख देंगे तो 110 लीटर से ज़्यादा टंकी भर देगी, तो चेक करना पड़ेगा, तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा कम लीटर तक ही भरिए क्योंकि पूरा भरेंगे तो गलत होगा आंसर। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आया इस पे, तो एक अंतर वाले पे, पाइप एक इनलेट पाइप है, इसको भी देखिए यहाँ से भी सीखिए, पाइप ए जो है ना इनलेट पाइप है, एक खाली टंकी को 57 घंटे में भर सकता है, पाइप भी जो है भरी हुई टंकी को 38 घंटे में खाली कर सकता है, तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे, एक 19 × 3 है और एक 19 × 2 है, तो 19 × 3 और × 2
57 से कर देंगे तो ये दो बार में, 38 से कर देंगे तो ये तीन बार में ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। 19 या 57, 57 दोनों हमारे पास कितना आ जाएगा, 114 है। अब 114 लीटर है, पहले 2 लीटर देखिए कौन पहले शुरू करता है, ये भी जानना जरूरी है। कौन पहले टंकी भरने होने पे दोनों पाइपों के एकांतर रूप से बी से शुरुआत करते हैं, अगर ये नहीं दिया तो क्वेश्चन क्या होगा, इनसफिशिएंट, मतलब डेटा पूरा नहीं है। बी शुरुआत मतलब पहले निकालेगा टंकी भरी हुई है, और फिर क्या होगा कि ये 2 लीटर फिर से भर देगा, मतलब इस 2 घंटे में एक ही लीटर खाली हुआ है टंकी, 2 घंटे में 1 लीटर खाली हुआ है। तो अगर हम 114 के 14 लीटर को अगर हम देख लेंगे ना तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब हम देखेंगे क्या इसके नीचे 3 घटाने से हमारा काम कितना बनना है, 100 कितना बन जाएगा, 111। तो अगर इस 111 को एक एक लीटर तक ऐसे भरते हुए जाएं, 101 लीटर हर 2 घंटे में खाली हो रहा है, तो 111 मतलब 122 घंटे में हम 111 लीटर भर पाएंगे, ठीक है। 122 घंटे में हम 111 लीटर भर पाएंगे, ठीक है। तो 100 देखिए 111 लीटर हम 3 लीटर छोड़ दिए इसमें से, और लास्ट वाला देखिए 122 घंटे और प्लस 1 घंटा और, मतलब कितना हो जाएगा, नहीं 122 नहीं 222 और 223 घंटे हो जाएंगे, 223 घंटे में टंकी भरेगी। और 223 घंटे को अगर 24 से भाग देते हैं तो 24 से कितने बार में चला जाएगा, 24 से सीधा एक बार हो जाएगा, नहीं हम सीधा सीधा ले जाएंगे, 9 बार चला जाएगा, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 21, 216, तो 9 दिन हो गया, 216 में हमारे पास होता 4 दिन 7, 9 दिन 7 घंटे हो जाएंगे, 9 दिन 7 घंटे। यहाँ पे भी डी आ रहा है, सबके आंसर डी क्यों आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले 3 घंटे को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में वही खाली करेगा, उसमें 2 घंटे नहीं लगेंगे, ठीक है। हाँ, 3 लीटर ऐसा नहीं कि 114 का डबल कर दीजिएगा उसमें, फिर गलत हो जाएगा। अब अल्टरनेट वाले समझ गए, आप पूरा करिएगा इसमें, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन होगा, अगर अल्टरनेट तो इसको भी चेक कर लेते हैं। एक भरी हुई टंकी 32 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप बी से 40 घंटे में भर सकता है, ए बी को टंकी भरे होकर एकांतर, एकांतर मतलब अल्टरनेट, प्रत्येक एक घंटे के लिए चालू किया तो टंकी को खाली होने में, तो पहले ए को फिर बी को, वही सेम कॉन्सेप्ट, ए 32 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है, बी उसे 40 घंटे में भर सकता है। 8×4 इसमें भी है और 8×5 इसमें भी है, तो 8 तो चाहिए चाहिए हमको, और 8×5 = 40, 8×4 160 ले लेते हैं, 32 से 5 बार, इससे 4 बार, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एकांतर उसे ए और बी को पहले, ए को पहले चलेगा तो -5 आएगा, फिर 4 होगा, मतलब हर 2 घंटे में 1 लीटर टंकी खाली होगी 2 घंटे में। तो हम इसमें से 5 तो पहले ही घटा लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 155 लीटर भरने के लिए हमको इसका डबल 210 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे 155 लीटर के लिए, और उसके बाद हमारे पास 1 घंटा और ज़्यादा लगेगा और 311 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट वाला 5 लीटर एक साथ निकाल देगा उसको, सेम कॉन्सेप्ट। अब आप खुद से करिएगा, नहीं अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का वेरिएशन बदल गया। काजीपेट जिसकी आबादी है 4000, प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, प्रति व्यक्ति 9 लीटर, ओके 4000 आबादी है और 9 लीटर सब लोग पीते हैं तो 4000×9 लीटर पानी चाहिए चाहिए, और जिसके पास 15 मीटर 8 मीटर इतना माप वाला एक घनाकार टैंक है, ओके 15×8×6 ये इसका आयतन हो गया, घनाकार टैंक है, यदि टैंक पानी पूरा भरा हो तो इस टैंक में पानी कितने दिन तक चलेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए इसमें पूरा कर लीजिए 1000 से, क्योंकि देखिए ये लीटर में बदलना है ना तो 1000 बनाएंगे इसको हम लोग, 1000 क्यों बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, ये होगा मीटर 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 क्यूब, चलिए पहले तो काट लेते हैं देख लेते हैं बाद में उसको चेंज कर लेंगे हम लोग, तो 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5×10 10×8, अच्छा इसको भी काट देंगे ना, 4×8 2×4 = 20, 20 दिन 1000 से गुणा कर लेंगे क्योंकि उसको हमको बदलना था किसमें, लीटर में, ठीक है, मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना होता तो उसमें 1000 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटर क्यूब में है तो इसमें 1000 लीटर से गुणा होगा तो वो लीटर बदल जाएगा, और ये 4000 लोग थे, 9 लीटर पानी पीते थे, पूरा लीटर पानी की जरूरत थी। इजी क्वेश्चन, सिर्फ डिवाइड करके निकल गया। एक बर्तन 3/5 से भरा है, 3/5 से भरने का मतलब है ये बर्तन 3/5 से भरा है, 3/5 से भरने का मतलब है ये है टोटल और इतना भरा हुआ है, भरा जब इसमें 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो मतलब 3/20 लीटर का है, तो ये इससे कितना है, 3/20 है तो 5 निकाल सकते हैं, तो 7/12 भरा होता तो बर्तन की क्षमता क्या करें, अरे तो इतना ज़्यादा जरूरत नहीं इसमें, ऐसे कर लीजिए 3/5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 लीटर है, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20×5/3, हमको चाहिए 7/12 का, तो 20×5/3 और गुड़े में देखिए ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, थोड़ा सा हम लोग गलत पढ़ लिए इसको, बड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक तेल में 3/5 ही भरा हुआ है, पहला चीज़, एक तेल 3/5 भरा हुआ है, मतलब ये 60% भरा हुआ है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है, ध्यान समझेगा, उल्टा करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये भरा है सिर्फ 3/5, मतलब ये 3/5 हिस्सा है, टोटल अगर 5 हिस्सा है अगर इसमें तो 3 हिस्सा तक ही भरा है। अब इस 3 हिस्सा में देखिए, इसमें जो है ना 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है, जब इससे तेल तो ये 7/12 क्षमता होता है, इसका 7/12 क्षमता होता है, इसका 7/12 मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, तो देखिए 7 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 20 बटे में कितनी होगी, 7 होगी, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/7×12, या फिर सबसे बढ़िया तरीका होगा हम और इजी बना लेते हैं, 3/5 भाग का 7/12वां हिस्सा हमारे पास 20 लीटर है, ठीक है, तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20×12×5/3×7, ठीक है, और ये कटने वाला नंबर तो नहीं दिया, 3 से 4 बार में 4/5 = 400/7 हो जाएगा,
कहना क्या चाह रहा है, कुछ तो इसमें गलत दिया हुआ क्या? बर्तन की क्षमता तेज निकलेगी, यह सात बटे बारह बड़ा होता है कि हम क्वेश्चन गलत पढ़ लिए, हमको ऐसा लग रहा है मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो सही दिया होगा, ठीक है एक बार और पढ़ लेता हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी में ना। एक तेल 3/5 से भरा हुआ है और इसमें 20 लीटर तेल का उपयोग किया था, तो ये 7/12 भरा हुआ। ओके ये अलग चीज़ कहना चाह रहा, इतना भरा है इतना निकालने के बाद तब ये हो जाता, ये डिफरेंस दिया हुआ है 3/5 था जब इसमें से हमने 7/12 बच गया, जब हमने 20 लीटर इसमें से निकाल दिया, देखिए ऐसा समझेगा 20 लीटर, तो मतलब इन दोनों का अंतर बचा हुआ है, मतलब 7/12 इसका अंतर हमारे पास दिया हुआ है 20 लीटर, ये दिया हुआ था 12 × 36 माइनस में 35/60 बराबर में 20 लीटर अंतर दिया हुआ था, तो 1/60 बराबर में हमारे पास 20 लीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 × 12 1200 लीटर। थोड़ा सा गलत पढ़ने की वजह से आंसर गलत आ रहा था, ठीक है होता है कभी कभी ऐसा। 3/5 भरा था और 7/12 हमने उसमें से क्या कर दिया, निकाल दिया, इजी 1200। अब ठीक है डिफरेंस दिया हुआ था उनका ना, मतलब ये बोला ना कि 3/5 भरा था, इससे हमने क्या किया है 20 लीटर निकाल दिया, तो ये बचा हुआ है, मतलब इन दोनों का इतना था इतना बचा है, मतलब ये बीच का अंतर है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी इसके बराबर होगा। और मैं इसको दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझ रहा था कि और ईजी होगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, हिंदी में देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या, कहना क्या चाह रहा है ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, ठीक है एक पाइप है ए जो 2 घंटे में भर सकती है, हालांकि पहले घंटे के दौरान इसे अपनी क्षमता का 1/12 क्षमता पर कार्य किया, दूसरे घंटे के दौरान ये अपनी क्षमता का 1/9 क्षमता पर काम किया, तीसरे घंटे के दौरान ये अपनी क्षमता का 1/6 क्षमता और कार्य किया, चौथे घंटे में अपनी क्षमता का 1/4 और 5वें घंटे में इस दौरान क्षमता का कार्य करना चाहिए था के दौरान इसे जिस क्षमता पर कार्य करना चाहिए था उसकी तुलना में ये केवल 1/3 कुशल थी, दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया लेकिन यदि यह अपनी पूरी गति पर कार्य करती तो इस खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकती थी, और दोनों पाइपें और वो पाइप जो टंकी के स्थिर गति से खाली करती है एक साथ चालू होती है, आधी खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है, यदि अकेली खाली करने वाली पाइप को चलाया जाता है तो इसे भरी हुई टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। बहुत अच्छा, अब इतना डेटा इसमें दे दिया ना कि इसको पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा 2 बार कि इसमें क्या कहना चाह रही है, ये तो दिया है कुछ तो भरना चाह रहे हैं कुछ लोग खाली करना चाह रहे हैं, तो 2 पाइप तो इसमें दिख गई भरने वाली, एक और है जो 4 घंटे में भर सकती है। देखिए पहला क्या है कि एक काम कर रही है एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, और पहले घंटे के दौरान इसने क्या किया वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है फिर उसके बाद यहाँ बोला ना कि खाली टंकी को 4 घंटे में भर देता है, क्या बोला लेकिन यदि पाइप क्या बोला दूसरी पाइप यहाँ दिया दूसरी पाइप ऐसे ही कार्य किया लेकिन वह यह अपनी पूरी गति पर कार्य करती तो इसे खाली टंकी को 4 घंटे में भर देता देना था, यदि दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है एक साथ चालू होती है तो आधी खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है, आधी खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है, तो एक पाइप और है ए बी और एक सी खाली टंकी वाली जब साथ में करते हैं आधी को 5 घंटे में तो पूरे को 10 घंटे में, पूरे कितने में 10 घंटे में, देखिए ये क्या बोला लास्ट में कि यदि दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है एक साथ चालू होती है तो आधी टंकी को 5 घंटे में तो पूरी टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है, यदि अकेली खाली करने वाली पाइप को चलाया जाता तो इसे भरी हुई टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, इन सबका एलसीएम ले लीजिए 4, 6 और 10 का 40, 20 भी हो जाएगा, 20 से भी काम हो जाएगा, 20 से ये 10 बार में, 4 से ये 5 बार में, इससे ये 2 बार में। अब आप ध्यान समझिएगा इसकी क्षमता हमारे पास 10 है, इसकी क्षमता हमारे पास 5 है, 10, 5, 15 और यहाँ पे हमको चाहिए 2, ध्यान समझिएगा इसकी क्षमता हमारे पास कितनी है 10 और इसकी क्षमता है 5, सही तो लिखे ना हम लोग 2, 10 है 2 घंटे में भर सकती है, 4, 4 × 20 10, 2 × 20 10 घंटे में पूरी टंकी आधे को 5 घंटे में तो पूरे को 10 घंटे में, 15 में से कितना खर्च जाएगा कि 2 आ जाए तो ये 13 हो जाएगा इसके हिसाब से, तो अगर इसको खाली करना होगा 20 के हिसाब से तो 20/13 हो जाएगा, लेकिन हमको एक चीज़ और भी करना है साथ में, एक चीज़ और करना साथ में जो ये डेटा दिया है ना इनका भी यूज़ करना होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन में एक अलग से डेटा दिया, पहले घंटे के दौरान इसे अपनी क्षमता का 1/12 क्षमता पर काम करना पड़ा, पहले घंटे में तो 10 क्षमता है तो 10/12 चला, फिर दूसरे घंटे में क्या बोला है पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे में क्या बोला है दूसरे घंटे में अपनी क्षमता का 1/9 क्षमता 10/9 क्षमता से काम हुआ और अपनी क्षमता का 1/9 क्षमता, तीसरे घंटे अपनी क्षमता का 1/6 क्षमता 1/6 क्षमता चला और चौथे घंटे में अपनी क्षमता का 1/4 चला 1/4 चला और कार्य किया, और 5वें घंटे दौरान जिस क्षमता से इसको काम करना था उसकी तुलना में केवल 1/3 चला 10/3, ठीक है कार्य करना चाहिए था 1/3 चली थी, तो ये इनकी क्षमता हो गया भैया इनको जोड़ने वाला, 10 सब में कॉमन है तो 1/12 बना लिए, 1/9 बना लिए, 1/6 बना लिए, 1/4 बना लिए और 1/3 बना लिए, तो कितना भर दिया ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, सबका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 18 ले लें, 18 से नहीं होगा 36 ले लेते हैं, तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 9, यहाँ से 12, तो ये 12, 8, 20, 21, 21, 6, 27, 27, 4 हमारे पास 31, 31, 3, 34 तो 10 × 34/36 तो 2 × 5 = 2 × 12 तो 5 × 34 मतलब 70/6 आ जाएगा 70 × 85/6 ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब इस हिसाब से देखेंगे तो फिर तो ये लगेगा ही नहीं, मतलब कुछ और कहना चाह रहा है क्वेश्चन में जो हम लोग कुछ और समझ रहे हैं इसको। हाँ अब ये या तो देखिए इसमें कोई ट्रिक होगा ऐसा जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं इसको,
और देखना तो पड़ेगा। देखिए बेसिक्स लगाने पे हमको ऐसा लग रहा है कि अलग दिशा में भाग रहा है, जो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जो चाहिए हमको। चलिए अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फिर इसका मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा ट्रिक, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स लगाने का मतलब पेज भरना के बराबर है बस। अब इफिशियंसी बेस पे है, चलिए इसको ट्राई करेंगे सभी लोग, सभी लोग ट्राई करिए इफिशियंसी बेस वाला क्वेश्चन। नहीं 5 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा एग्जाम मिले तो एट द टाइम तो छोड़ ही देना है, अगर आप पहले से नहीं किए तो, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग करेंगे अभी, तो करने के बाद अगर ये आपको दोबारा मिले तो कर लीजिएगा, लेकिन पहली बार मिलेगा तो सबके लिए वही रहेगा, सेम ही चीज़ रहेगा। अगर इसमें कोई बेसिक यूनिक ट्रिक नहीं होगा, जो मतलब ये बेकार में बीच का सेंटेंस दिया उससे अलग नहीं होगा, तो इसको एग्जाम में तो नहीं करेंगे, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से। ए दो पाइपों में से, देखिए बोला कि एक टंकी में पानी भरने वाली दो पाइप में से एक पाइप इस एक से डेढ़ गुना, मतलब ज्यादा, डेढ़ गुना मतलब है कि अगर ये दो है तो ये तीन है, इसका ये डेढ़ गुना होता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक पानी को निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती हैं जो अकेली 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है, तो खाली टंकी 28 घंटे में भरा जा सकता है, तो कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये दोनों को मिला दिया जाना तो टोटल टंकी को भरने में 28 घंटे लगते हैं, 28 × 5, तो जो कम वाला है ना, कम क्षमता वाला मतलब ये वाला है, तो इसको 28 × 5/2 से, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14, और ये आ जाएगा हमारे पास 70, तो ये हमारे पास इसकी अलग से क्षमता है, ठीक है। यही क्वेश्चन ने बोला था ना, अगर इसका 70 होगा तो इस वाले का हमारे पास कितना आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। पानी देखिए क्या बोला कि अधिक कुशलता से कार्य करती है, ये दोनों पाइप एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती हैं जो अकेली 12 घंटे में टंकी खाली कर सकती है, तो खाली टंकी को 28 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, और कम कुशल पाइप को अकेले खाली करने वाली टंकी में कितना समय लगेगा। अच्छा, इसमें खाली करने वाली टंकी भी है, उसको भी ध्यान देते हुए चलना है, अगर उसको छोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरी पाइप भी हमारे पास है जो क्या करती है, खाली करती है इसको टंकी को, और कितने घंटे में, 12 घंटे में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ अलग से 12 घंटे में। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा ना कि ए है, बी है, और हमारे पास सी है, 28 घंटे में भरते हैं, और सी जो है अकेले इसे 12 घंटे में खाली कर देता है, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे कि 28 और 12 से कटने वाला नंबर, तो इसमें हमारे में कॉमन क्या नहीं है, 1 7 × 4 होगा, और एक हमारे पास क्या है, 4 × 3 है, तो 4 तो दोनों में चाहिए, और 21 अलग से ले लेंगे, यानी कि हम 7 × 4 भी बोल सकते हैं इसको, तो ये 4 बार में कट जाएगा, और ये हमारे पास है, थोड़ा सा इसका एलसीएम को ध्यान से लिखते, नहीं तो गलत होगा ये, तो इसमें हमने 7 और 4 तो लिया ही लिया, साथ में 3 मिलेंगे, तो ये इससे 3 बार में कटेगा 28 से, अब 12 से करेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। इसकी क्षमता हमारे पास कितनी है, 7 है, ध्यान से देखिएगा, इसकी क्षमता हमारे पास कितनी है, 7 माइनस में, और ये वाली वैल्यू हमको दोनों ऐसा क्या नंबर होना चाहिए जिनको घटाने पे 7 3 आ जाता है, बोलेंगे यहाँ पे 10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 में से 7 जाएगा तभी ये 3 आएगा, मतलब इन ए और बी की जो क्षमता है ना वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तो 10 यूनिट मतलब यहाँ से अनुपात में देखें 3 और 2 के अनुपात में, तो 5 बराबर दिया है हमारे पास कितना, 10 2 गुना पे, तो ये 2 गुना पे इसकी क्षमता 4, इसका 2 गुना पे 6 हो जाएगा। कम क्षमता वाले का पूछा था, कम क्षमता वाले का, तो 7 × 4 × 3 में अगर हम कम क्षमता इसका 4 है, 4 वाले से भाग दे दें तो ये 21 दिन में कर पाएगा, कितने दिन में कर पाएगा, 21 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, पहला आंसर आएगा, थोड़ा सा घुमा हुआ है, दिया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा इफिशियंसी को सीखते हुए जाइए, मतलब आपको दोनों चीज़ करवाना चाह रहा है, एलसीएम एससीएफ भी है और साथ में आपका इफिशियंसी भी है, दोनों को साथ में लेके चलना है। हाँ 21, बस आज इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है, और कल मैं देखता हूँ कुछ ट्रिक बनाता हूँ उस लंबे वाले क्वेश्चन को जोड़ने से थोड़ा बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें हम इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वो 1/12 काम करेगा, फिर 1/9 करेगा, फिर 1/6